साथ हैं दिग्गज भाजपा नेता सीपी ठाकुर, आइए बात करते हैं उनसे। जी ठाकुर जी, सुपरा साफ कर दिया आप लोगों ने, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जनता ने समझा कि इस बार जनता दल यू व बीजेपी को वोट देना है, कस के वोट दे दिया। और सारे लोग चाहते हैं कि बिहार में 5 साल जिस तरह का वातावरण बना, विकास के लिए भी, जान माल की सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सब लोग डरते रहता था पहले कि सुबह में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है वो लौट के आएगा कि नहीं। तो वो वातावरण जो बंद हुआ, चैन से लोग घर में सोने लगे, सुबह उठ के अपना काम करने के लिए जाने लगे, इस वातावरण को कायम रखने के लिए सब लोगों ने वोट दिया। और जनता का ये जनादेश है, ये कोई हम लोगों के करने से तो कोई, हम लोगों को जितना मेहनत हुआ हम लोगों ने किया। तो महिलाओं की सुरक्षा भी काफ़ी हद तक बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। और इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयत्न किया गया इस सरकार में, उन लोगों को रिजर्वेशन वगैरह दे करके दिया गया ताकि महिला आगे आवे लड़कियों के पढ़ने के लिए। तो ये सब देखते हुए वो सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने वोट दिया, जिसके पुरुष दूसरी पार्टी को दिए हैं लेकिन महिला सब ने जदयू और भारतीय जनता पार्टी को दिया। लालू यादव ने जो कल बधाई दी है जीत पर, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्पणी करते नहीं चुके, क्या कहेंगे? देखिए, जीत पर बधाई दी वो तो ठीक किया, एक दूसरा जो वाक्य है उनका वो कोई बड़े नेता को नहीं देना चाहिए इस तरह से कि मैं बधाई दे रहा हूँ लेकिन बीजेपी को बधाई नहीं दे रहा, ऐसा बयान जो है जो ये अच्छा नहीं था। बधाई वो उस सेंटेंस को नहीं बोलते तब भी ठीक था, लेकिन ये कह देना उचित नहीं था। अरे ये तो वो कस्टमरी है कि जब कोई जीतता है तो उसको लोग बधाई देता है, हार जाता है तो उसके प्रति थोड़ा उसको सांत्वना देता है। तो ये तो नियम है, दुनिया का नियम है, तो कोई यहाँ हो रहा है इसी बात नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कस्टम। एक सवाल है कि केंद्र में लालू की, पासवान की, सबका बुढ़िया बिस्तर बन चुका है, राज्य में आप लोगों ने उनका बुढ़िया बिस्तर बांध दिया, तो भाजपा सीपी ठाकुर क्या एक नसीहत देना चाहते हैं कि वो राजनीति छोड़कर घर गृहस्थी देखें या फिर खेती बाड़ी करें? नहीं, ये सब तो नहीं, पॉलिटिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है, जो एक बार हार जाए वो जीते नहीं। तो फिर उनके लिए समाज जो है, समाज में काम करें लोग, समाज का भाषण कम और काम ज़्यादा, यही काम करें तो करें। यहाँ विधानसभा में हम लोगों ने देखा है कि पासवान के व्यक्ति हैं या फिर लालू के का पूरा खानदान जो हंगामाबाजी करता आ रहा है, उनका सुपरा साफ हो गया है, तो इस बार हंगामा करने वाला विपक्ष में कौन बचा है? विपक्ष में हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है, काम अगर ठीक से होगा, सब काम सही होगा तो हंगामा की क्या आवश्यकता है? असेंबली में काम होना चाहिए और हंगामा की आवश्यकता नहीं है। और स्वस्थ जो है सो विचार और डिबेट ये सब होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, कोई रुकावट नहीं है उसमें, तो अब हंगामा की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल, राबड़ी देवी को हम लोगों ने देखा था कि उनके जुबान के ताले काफ़ी हद तक टूट चुके थे, जब दोनों सीट पर भी हार गई हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये तो देखिए, उन लोगों ने जो काम किया उनको बहुत मौका मिला, उनको 15 साल मौका मिला, उस 15 साल को उन लोगों ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और उसी का दंड जनता ने उन लोगों को दिया। और दोनों जगह से, अन्य जगहों से भी उस पार्टी का सफाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी ठाकुर जी।